बहुत सारी बातें मैं कुछ करना चाहूंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम औरतों से खोतों की तरह जो काम करवाया जाता है वहां से, कि जिससे भी खोतों की तरह काम करवाया जाता है ना, वो गलत है, क्योंकि खोते के ऊपर जाति की जाती है। तो ये सिर्फ औरतों के साथ नहीं करवाया जाता, हमारे कल्चर में आदमियों से भी खोतों की तरह काम करवाया जाता है। एक आदमी को कहा जाता है कि तुमने सारे कुंबे को पालना है, और फिर जब तुमने बड़े होना है, उसके बाद भी तुमने सबके खर्चे उठाने हैं, और तुमने सबकी शादियां करनी है, और माँ बाप को भी खर्चा भेजना है, अपनी छोटी बहन भाइयों को भी करना है। तो अगर आपने खुद सबमिशन से निकलना है, तो आपको दूसरों को भी सबमिशन से निकालना होगा। यानी कि वो लड़का जो कि घर में अपनी बहनों की तालीम के लिए बोलेगा और कहेगा कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं घर आऊं तो मुझे जो है मेरी बहन खाना गर्म करके दे, मैं अपना खाना खुद निकाल लूंगा, लेकिन आप इसको भी पढ़ाएं ताकि ये कल को मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो ये जो है ना कल्चर के नॉर्म्स, ये तो अगर हम तोड़ नहीं सकते तो फिर तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो ये हमें तोड़ने पड़ेंगे। उसको खुद ये कहना पड़ेगा कि आई डोंट वॉन्ट वुमेन ऑफ माई हाउस टू बी सबमिसिव टू मी, एंड आई विल नॉट बी सबमिसिव टू दी कल्चरल नॉर्म्स के जी मैंने आपका सबका वो करना है। तो वो आज अपनी बहनों को उनकी मतलब उनकी इंडिपेंडेंस और उनकी शख्सियत, उनकी ताकि वो अपने टैलेंट से कुछ ना कुछ कर सकें, उसके अंदर मदद करेगा, तो कल को वो इंडिपेंडेंट होंगी और वो उसके ऊपर नहीं बोझ बनेंगी, और वो अपनी लाइफ जो है वो ज्यादा फ्री गुजार सकेगा। क्योंकि वो इतने, वो भी तो खुद ही उन्होंने, मतलब आदमियों ने जंजीरों, क्योंकि मैं, मेरी थोड़ी अप्रोच ये होती है कि जब ये हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, तो ये समझते हैं कि ये जी ये सिर्फ औरतों की बात हो रही है, और ये औरतों के मतलब औरतों को निकालना चाहती हैं और औरतों के लिए आसानियां हासिल करना चाहती हैं। जो आसानियां जो ठीक हैं, जो बातें ठीक हैं, जो कि मॉरली करेक्ट हैं, जो कि वर्चुअली करेक्ट हैं, वो आदमियों के लिए भी ठीक हैं। और जो चीजें गलत हैं, रॉन्ग हैं, उनसे जितना नुकसान औरतों को हो रहा है, वैसा ही नुकसान आदमियों को भी हो रहा है। तो जब ये और चीजें औरतों के लिए ठीक होंगी ना, तो तब ये आदमियों के लिए भी ठीक हो जाएंगी। फरिया, जो आपने बात की है ना कि मर्द भी पेट्रियार्की की वजह से सबमिसिव है, मैं अक्सर बात करती रहती हूँ। वो जो आदमी नहीं होते जिनको दुबई भेज देते हैं, 6-7 उनके बच्चे होते हैं, वो पीछे बीवी पाकिस्तान में पाल बिल्कुल रही होती है, बिल्कुल वो बेचारा एक तंग कमरे में सो रहा होता है 5-6 आदमियों के साथ, एक खोली में बेसिकली शेयर कर रहा होता है, पेट काट काट के वो पैसे भेज रहा होता है, क्योंकि ये सारी और वहां पीछे बीवी बच्चे एक तरह से ऐश कर रहे होते हैं। एंड देन वेमेन इज स्लीपिंग अराउंड, जिस पर डॉक्टर शाजिया अक्सर बात करती हैं कि उसकी सेक्सुअल नीड्स तो नहीं पूरी हो रही औरत की, तो मर्द अगर घर में नहीं है और वो 1-2 साल बाद आता है, तो वो वेमेन की सेक्सुअल नीड्स, वो शी फील, सो दिस इज अ मेस्ड अप टू, कि ये भी नहीं होना चाहिए। एक तो आप ये भी मर्द के ऊपर जो पेट्रियार्की का बोझ है जो डाला जाता है पूरे कुंबे को उठाने का, वो भी गलत है, वो भी मर्द की ओप्रेशन है पेट्रियार्की में। पेट्रियार्की का मतलब ये नहीं है कि हम मर्दों के खिलाफ है, पेट्रियार्की का मतलब है कि एक हम सिस्टम के खिलाफ हैं, जो एक हायरार्किकल सिस्टम रखा गया है उसमें मर्द भी दबता है। सो ये हम बात कर रहे जी, हैं। तो क्लियर ये हुआ कि प्रोग्रेशन जो है, वे फॉरवर्ड जो है, वो उसी सूरत में मुमकिन है जब आप सबमिशन को अपोज करें, जब आप कहें कि आई डू नॉट सबमिट, आई हैव अदर वेज एंड देयर आर ऑल्टरनेटिव वेज एंड वी कैन गो फॉर दोज। एक कहानी होती है, तीन औरतें तीन कहानियां, हमारे किसी मैगजीन में आती होती थी, जिसके अंदर तीन मुख्तलिफ औरतों की कहानियां बताई जाती थी जो जुड़ी हुई है। एक औरत होती है जो कि एक अपनी कोठी में बैठी हुई है, उसका खामंद कोई सेठ है, कोई बिजनेसमैन है, और वो रात को कहीं से महंगी शराब पी के आता है और वो उसको फुट चढ़ाता है। और सुबह को जब उसकी काम वाली आती है जो कि एक झुग्गी में से आती है, और उसका शौहर एक देसी शराब पी के और उसने भी उसको फुट चढ़ाई होती है, और वो आती है अपनी मालकिन के पास, तो मालकिन कहती है कि मुझे दबा दो, और वो उसके उसको दबाती है, या उसके जहाँ पे ब्रूस बने होते हैं उसके ऊपर वो रखती है, फाहे रखती है, और वो कहती है कि बीबी जी मैं तो आप रात को उठ खा के आई हूँ। वो दोनों अपनी अपनी जगह पे हैं। अब उस औरत के घर में उसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आती है एक मिडिल क्लास औरत। वो औरत वो है जिसका खामन भी अब्यूसिव था, लेकिन उस औरत ने उस खामन से, उसने अलहदगी ली, उसने उससे डिवोर्स ली, उसने उसको छोड़ा, और वो अपने बेशक माँ बाप के घर ही आई, लेकिन उसने ट्यूशन हासिल की प्राइवेट, ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। यानी कि उसने हाथ पांव मारे, उसको भी ब्याह दिया गया था कि वो किसी मिडिल क्लास घर में चली जाए जहाँ पे कि वो खोतों की तरह काम करे, और उसका खामन उसके साथ जो सलूक करे उसको बर्दाश्त करे, ऑन दी प्रोमिस ऑफ यू नो फाइनेंशियल एंड सिक्योरिटी एंड ऑल दैट। लेकिन उसने उसको
फाइट किया, और उसने कहा कि नहीं, मैं मुझे ये गवारा नहीं है, और वो जाके प्राइवेट एजुकेशन अपनी प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने लग गई ताकि वो अपनी ब्रेड एंड बटर खुद अर्न कर सके। तो वो जो है ना, वो वे फॉरवर्ड है। उसका जो बच्चा होगा ना, वो सीखेगा कि किस तरह से लड़ना है, किस तरह से अपनी डिफिकल्ट सिचुएशन में से निकलना है। वो जो उस घर में होगा, जो कि एक अमीर घर में जो देखता है कि उसकी माँ जो है वो सबमिट कर रही है उसके फादर को और कुट खा रही है सारी सहूलतें होने के बावजूद भी, और वो छोड़ के नहीं जा रही क्योंकि ये सारा कुछ आलीशान महल और ये लेबर और सारा कुछ चला जाएगा, तो वो जो कुछ भी है वो रात सहती है और सुबह को वो मेकअप करके किटी पार्टीज में चली जाती है। तो वो भी उन्हीं गलत वैल्यूज को लेके आगे चलेगा, और जो झुग्गी में रहने वाला बच्चे हैं वो भी देखते हैं कि उनका बाप जो है वो काम नहीं करता, नशा करके पड़ा रहता है, और उसकी माँ आती है तो उनसे वो पैसे छीन लेता है, और वो उसकी माँ को काम करना चाहता है, वो भी बड़े होके वैसे ही नशे ही बन जाएंगे। लेकिन जो बच्चे देख रहे हैं कि हमारी माँ स्ट्रगल कर रही है, एक घर ट्यूशन पढ़ाने जाती है, दूसरे घर ट्यूशन पढ़ाने जाती है, जॉब्स कर रही है, और उसने हमारे फादर के अब्यूज को सबमिट नहीं किया और वो खुद निकली है अपना काम करने, तो वो ही जो है वो बड़े, वो मेहनत भी करेंगे, वो मेरिट भी बनाएंगे, वो अच्छी मतलब दे विल स्ट्राइव टू बी इन अ बेटर पोजिशन इन लाइफ, और वो आगे से अपने बच्चों को भी अच्छी वैल्यू देंगे। तो जो वे फॉरवर्ड है ना, वो सिर्फ नॉट टू सबमिट नहीं है। जी फरहाना, I just wanted to quote. I'm quoting a lot of religious scriptures today. That's fine. Whatever. Genesis 3:16, Old Testament. End quote. To women, he said, "I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor, you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you." This passage, part of the story of Adam and Eve's expulsion from the Garden of Eden, has been interpreted and presented to suggest that women are naturally subordinate, and men, as a consequences of Eve's action, men are superior and women are subordinate. So मैं ये कहती हूँ कि जब हम interpretation करते हैं sacred texts की, religious texts है ना, जो वो often interpretation करते हैं ऐसे कि different religious communities जो होती हैं, they may interpret them in different ways, but हमेशा वो एक चीज को जरूर support करते हैं, which is the existence of power structure, who is dominant and who's submissive, and also gender roles are defined. As you can see here, clearly, even in the book of Genesis, they're saying because of Eve's doings, man is suffering, and that she has to be subordinate, and that Adam has to rule over her. So ये जो पावर डायनामिक्स हैं, फीमेल सबमिसिवनेस, ये जो रिलीजन्स हैं, इनको रीइन्फोर्स करते हैं ऑल रिलीजन्स। आई एम टॉकिंग एंड आई वाज रीडिंग अबाउट दिस दैट इवन इन हिंदुइज्म they have this idea of women as being submissive. In Christianity, in Judaism, in Islam, many verses discuss that women are subordinate. So I think we need to look further than what we are seeing today. Aajkal jo socialization and education hai, wo to young age se shuru ho jati hai with individuals, within religious communities. Ke socialization se hum gender roles ko normalize kar dete hain. The idea that women should be submissive. Religious education, including teachings from religious leaders and institutions, play a significant role in reinforcing these beliefs because they want to stay in power and on top. Thank you. बिल्कुल, या ऑप्टिमिस्टिक नर्ड करें कि रिलीजन को लोगों को कंट्रोल करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। रिलीजन को स्टेट्स ने अडॉप्ट इसीलिए किया था ताकि वो लोगों को कंट्रोल करें, क्योंकि आप देखते हैं कि मजहब के लिए लोग बड़े आराम से इकट्ठे हो जाते हैं। ये वही ट्राइबलिज्म, ट्राइबलिस्टिक मेंटेलिटी है, जिस तरह ग्रुपिंग, ये हमारी एवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट में है, क्योंकि हमने जब सर्वाइव किया है जंगलों में तो ट्राइब्स की हैसियत से ही सर्वाइव किया, और हम हमेशा एक ग्रुप लीडर चूज करते थे इंसान, ताकि ग्रुप लीडर इंस्ट्रक्शन देता था, सब लोग उसको फॉलो करते। तो ये एवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट आई है।
जब भी आप एक ग्रुप बना अपना ट्राइबलिस्टिक ग्रुप बनाएंगे तो आपको आपके सर्वाइवल के ज्यादा चांसेस हैं। इसीलिए इंसान आज भी अपने आप को फर्दर सब डिवाइड करते जाते हैं। नेशनलिज्म इज अ ग्रुप, यू नो वाइट रेसिज्म जिसमें, या वाइट यू नो जो वाइट सुपीरियरिटी जो सुप्रीमेसी की जो आती है, या फेमिनिज्म इसमें भी आप एक ग्रुप बन रहे हैं, या जो भी ये इजम्स हैं ये आपको ग्रुपिंग की तरफ लेकर जाते हैं। और ये हमारी एवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट है, हम हमेशा फर्दर अपने आप को सब डिवाइड करते जाते हैं। अच्छा अब